असलकुम मेरा नाम गज़ाल महमूद है मैं प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनाकोलॉजी फ़ज़ाइँ मेडिकल कॉलेज ए यूनिवर्सिटी में हूँ और ये मैंने जॉइन किया था जब मैं पिम से एम सी एच सेंटर से रिटायर हुई थी 2015 में जॉइन किया और मेरा ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनाकोलॉजी का शौक अलहमदिल्ला अभी उसी तरह चल रहा है आज मैं आपसे बात करूंगी कॉजिज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी ये भी मेरा एक शौक़ है इसलिए उसके बारे में मैं आपको uh, उसके काज़ बताऊंगी और उसके लिए बेसिकली आप आपको एज अ हेल्थ प्रैक्टिशनर एज अ डॉक्टर वर्किंग इन दैरफ्री को क्या कुछ करवाना चाहिए आई एम सॉरी मैं इंग्लिश और उर्दू मिक्स बोल रही हूँ सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रही ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इनफर्टिलिटी जो फ़ीमेल की वजह से होती है वो काफ़ी कॉमन है लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि सिर्फ फ़ीमेल को ही हम इवेलुएट नहीं करते हमेशा दोनों मियाँ बीवी को एवेलुएट करना चाहिए मेरी क्लिनिक में आ, जो कि मेरा ख़्याल है ज़्यादातर कंसल्टेंट्स के पास हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इकट्ठे आते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि अब हस्बैंड जो है वो ना आए और उनकी सास आए या मदर आए ये प्रोपोर्शन आज से बीस साल पहले मर्द बिल्कुल नहीं आते थे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ का इंटरव्यू नहीं करते थे और नाइन्टी परसेंट जो है वो फीमेल को ब्लेम किया जाता था अब जैसे अवेयरनेस शुरू हुई है मेल्स जो हैं वो भी पढ़े लिखे हैं और वो फॉरवर्ड आते हैं और वो अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार होते हैं दिस हैज़ बीन द चेंज ऑफ द लास्ट टू टू थ्री टेकेट्स इट हैज़ बिकम मच मोर इजियर टू कम्यूनिकेट टू द मेल And I think we do not justify treatment of infertility or a fertility specialist if we don't, uh, I would say, uh, look into all the factors. Some of these problems need special attention uh, for which we can uh, refer the couple to the sexual uh, health expert. फीमेल की जो टेस्ट हमने करना है उसमें आ, क्या उसका एग बनता है कि नहीं बनता टेस्ट फॉर ओवलेशन ओवलेट्री प्रॉब्लम्स के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रेगुलर साइकिल है नंबर टू उसका पेनफुल पीरियड्स जो भी ओवलेट्री साइकल्स होते हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत पेन होती है उस एरिया में कंजेशन होती है पेल्विक एरिया में और जो पीरियड्स आते हैं वो पेनफुल होते हैं इसके अलावा कुछ लोगों को एग्जैक्टली टाइम ऑफ ओवलेशन में मिड साइकिल पेन होती है जो कि और उसके साथ एसोसिएटेड थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है और वाइटिश क्लियर वाइट एग वाइट की तरह का डिस्चार्ज भी होता है 90% परसेंट ऑफ द टाइम दिस आर स्पेसिफिक और हम कह सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा एग का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आजकल कल uh, एन बढ़ गए हैं और इसका रिलेशनशिप है ओबेसिटी के साथ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन हैपनिंग बन गया है और इसका सबसे बड़ा रिलेशनशिप आपके वज़न के साथ है वज़न का सही अंदाज़ा करने के लिए आपको हर मरीज का वेट भी करना चाहिए उसकी हाइट भी लेनी चाहिए और बॉडी मास इंडेक्स लेना चाहिए और जैसे ही आप ओवरवेट की कैटेगरी में दाखिल होते हो आपको इरेगुलर साइकल्स, पीसीओएस इसका रिस्क बढ़ जाता है और ओबेसिटी, अबस, ब्लड प्रेशर इनके जिस बढ़ जाते हैं इसमें कंसेप्शन भी के भी मसले होते हैं बहुत सारी ख़वातियां आपके पास ही रेगुलर साइकिल्स के लिए आती हैं और वो ये कहती हैं कि हमारा साइकिल पहले रेगुलर होगा तो फिर हमें कंसीव करेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रेगुलर साइकिल में कंसेप्शन होती है लेकिन बहुत सी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिनको से हम रेगुलर साइकिल ला सकते हैं और उनमें कंसेप्शन नहीं होती अगर वो इसकी ख़्वाहिशमंद है कि मेरी कंसेप्शन होनी चाहिए तो आप आपको उसको उसको अनोबोलेट्री साइकिल समझना चाहिए और उस हिसाब से आपको उसको ट्रीट करना है यानी उसको ऐसी मेडिकेशन देनी है जिससे उसकी एग बने सिंपलेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो सबको मालूम है जिसे हम कहते हैं क्लोमेफिन क्लोमेफिन सिट्रेट के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में और वो भी एक हद तक दी जा सकती है आजकल ये गाइडलाइन है कि सिक्स टू नाइन साइकिल से ज़्यादा ओवलेशन इंडक्शन नहीं करना चाहिए इसलिए कि जब आप ओवलेशन इंडक्शन के लिए एक मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ओवलेशन इंडक्शन जो आमतौर पे स्टार्टिंग ड्रग क्लोमिफिन से की जाती है उसमें एक रिस्क होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का और उसमें ट्विनिंग का रिस्क रेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसे भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए सबसे ज़्यादा कॉज जो एनओवोलेशन का है ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं इसमें अल्ट्रासाउंड की एक डेफिनेट पिक्चर होती है जिसमें वो कहते हैं कि जी एग्स जो हैं वो एक पर्ल स्ट्रिंग की तरह ओवरी की पैरफ्री में होते हैं या फिर ओवरीज जो हैं वो एनलाज होती हैं उनका कॉटेक्स जो है वो थिक होता है और उसमें हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से जो एग्स हैं वो ना मेच्योर होते हैं और ना रिलीज होते हैं लेकिन एक लेवल तक ईस्ट्रोजन जाती है उनके ब्लड में और फिर वो उसके बाद उनको पीरियड आ जाते हैं ये तो हो गया एनोवोलेट्री औुल, इसका कॉमन कॉज यही है और इसके लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं अगर क्लोमिफिन नहीं काम करती तो फिर नेक्स्ट स्टेप है अरोटेज इनहिबिटर्स इसके भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं और इसके लिए भी मॉनिटरिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए इसका ख़ास फ़ायदा ये है कि इसमें ट्विनिंग का या मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क कम है अगरचे ये क्लोमोफिन के मुकाबले में महंगी है लेकिन ये उस लिहाज से बेहतर है बेहतर तो ये होता है कि हम फॉलिकलर ट्रैकिंग करें या हम उनके हार्मोन्स टेस्ट करें जब हम ये ओवोलेशन इंडक्शन कर रहे हो लेकिन जब हम उसमें अल्ट्रासाउंड की स्पेशली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ऐड करते हैं और हम उसमें हार्मोन uh, लेवल्स करते हैं और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम उनको ये देते हैं एच जिससे एग रिलीज होता है और टाइम डिंटरकोस बताते हैं अगरचे उसकी एफिशिएंसी बेहतर है लेकिन उससे उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं uh, ये सिंपल ओवोलेशन इंडक्शन करने के क, क, का बेहतरीन तरीक़ा है अगर इसके भी तीन से छः साइकल्स आपके नहीं कामयाब होते तो आप इसको बंद कर दें और किसी स्पेशलिस्ट जो आ, ए का एक्सपर्ट हो या जो इन्हीं केसेस को हैंडल करता हो उसके पास रेफर कर दें तो शायद इसमें पेशेंट की बेहतरी हो बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके पहला बेबी तो हो जाता है फिर उसके बाद दोबारा और नेक्स्ट बेबी करने में मुश्किल होती है किसी को दो साल के बाद ट्राई कर रहा है तो उसको एक दो साल गुजर गए किसी के चार साल गुजर गए हैं तो उसमें अक्सर जो हमारे जहन में पहली बात आती है वो ये होती है कि कहीं इनकी ट्यूब्स ना बंद हो गई हों मेजर ऑपरेशन में भी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में भी बंद हो सकती हैं आम पे ऑपरेशन के बाद जब हीलिंग होती है तो उसमें अडियंस बन सकती हैं यानी कि ट्यूब जुड़ सकती है ट्यूब बंद हो सकती है या आपस में सिस्टम जो है वो आपस में जुड़ सकता है उस वजह से हमल नहीं ठहरता और अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हमल ना ठहरे और एग भी बन रहा हो उसके हमें सिम्टम्स भी देख लिए उसके हम टेस्ट भी कर सकते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि आपको ट्यूब्स टेस्ट करनी पड़ती हैं ट्यूब्स टेस्ट करने के दो तीन तरीक़े हैं सबसे आसान तो आ, ये है एक्सरे का सबसे सस्ता एक्सरे का है और उसके बाद अल्ट्रासाउंड से भी ट्यूब्स टेस्ट होती हैं और जो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो लेपरोस्कोपी है लेकिन लेप्रोस्कोपी ला, एक्सपेंसिव है यानी एंडोस्कोपी के थ्रू वो टेस्ट किए जाते हैं हिस्टोसेल हिस्टोसेल हिस्टो सल, सेल्पिंगोग्राफी ट्यूब के, के टेस्ट को कहते हैं और वो ऐसा करते हैं कि रहम के मुंह में कैनोला डाल के उसके थ्रू डाई डालते हैं जो कि एक्सरे पे नज़र आती है और फिर उसके शॉट्स लेते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ट्यूब्स खुली हैं बंद हैं यूट्रस की कैविटी कैसी है रास्ता कैसा है लेकिन उस वो एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है उसके लिए आम तौर पर हम एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दे देते हैं एक शॉट और रिजल्ट मिल जाता है यह कोई मेजर ऑपरेशन इसमें नहीं इन्वॉल्व होता दूसरा तरीक़ा जो कि अब रिसेंटली आम इस्तेमाल होता है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है अल्ट्रासाउंड में वो सेल हिस्कोसी his, कहते हैं उसको सेलाइन हिस्ट्रोस्कोपी जो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी uh, है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है और उसके लिए ट्रांसफाइनल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है ट्रांसफाइनल अल्ट्रासाउंड से जब जब ये लाइन पास करते हैं तो ट्यूब्स में वो नज़र आता है और बड़े अच्छे आ, फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं इस ये ये लेस पेनफुल है हिस्ट्रोसेलगोगोग्राफी से और इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक दे देता है फिर लैप्रोस्कोपी जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है और वो फिर स्पेशलिस्ट ही करते हैं जैसे आपको पता है कैमरे के थ्रू आप सारा पेल्विस देख सकते हैं कोई और प्रॉब्लम है वो भी देखा जा सकता है ट्यूब्स खुली हैं बंद हैं ओविज ठीक हैं आपस में जुड़े तो नहीं हुए इसको मैकेनिकल फैक्टर्स कहते हैं अगर आपस में चीज़ें जुड़ जाएँ और, और लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज एक ये है कि कोई छोटा मोटा जो मसले मसाइल होते हैं वो दुरुस्त कर दिए जा सकते हैं और वो अक्सर लोग कर देते हैं लेपरोस्कोपी से जो है अगर ट्यूब्स किसी की बंद हों तो वो उसी सेटिंग में खोली भी जा सकती हैं लेकिन उसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है Uh, we should start uh, investigating the male in the beginning. Or the simplest test you have, that is husband semen analysis. and semen analysis should be carried out uh, uh, after three to five days' abstinence. and the best time is when the woman has her periods. the husband can have the semen analysis. Uh, usse ye hai ke optimum values are there. One simple semen analysis inference, we do we repeat it if we don't find a normal value and also refer the husband to a urologist or an andrologist if it is available uh, in your vicinity, So he should go for the assessment of the male subfertility at the same time. खातर खा रिजल्ट ना मिले तो वी ऑल्सो थिंक ऑफ पॉलिसिस्टिक डिजीज ऑफ द ओवरी और उसके अपने क्राइटीरिया हैं अल्ट्रासनिक हार्मोनल और सिम्टम्स तो उस और हमें फिर उसे उन लाइन्स पर ट्रीट करना चाहिए पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज़ अ फुल आई वुड से डिजीज एंड इन इट सेल्फ एंड आई थिंक वी विल नॉट डिसकस दैट एनी फर्दर इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग ग्रैजुअली स्टेप अप पैटर्न में इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं और अगर कंसेप्शन ना हो या हर, या मेल फैक्टर कोई निकले उसमें ट्यूब्स भी ठीक हैं एग ओवलेशन भी हो गई या आपने मेडिसिन से ओवलेशन कंफर्म कर ली तो उस सिलसिले उन केसेस उन में आ, आपको आईयूआई के लिए केसेस को या रेफर कर देना चाहिए द सीमन अनालिसिस के बाद सीमन प्रिपरेशन जो होती है आई यू आई के लिए उसके ऊपर वही प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए जो एक आई वी एफ सेटअप में या एंड्रोलॉजी के सेटअप में होने चाहिए उसके लिए स्पेशल फ्लोइड्स होने चाहिए वॉश होना चाहिए उसके अपने टेक्निक्स हैं और जितनी बेहतर आपकी और अच्छी प्रपरेशन होगी सीमन के कितने अच्छे रिजल्ट्स आपके आई के होंगे बहुत से लोग आई, आई को मिस यूज़ करते हैं और मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है मेरे ख़्याल में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए एक और बात बहुत ज़रूरी है कि हम सिंपल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ख़वान का नहीं करते रूटीन में हमें चाहिए कि हम उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करें अगर कोई बेचैनल डिस्चार्ज है कोई इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करें और उसकी स्क्रीनिंग करें क्या उसमें हेपेटाइटिस है बी और सी नहीं है और अब तो कोविड भी आ गया है सो कोविड को भी उसकी एंटीबॉडीज़ देखनी चाहिए कि कहीं ही वो सफ़र ही तो नहीं कर रही आपकी बिफोर यू स्टार्ट ट्रीटिंग आपकी सारी ट्रीटमेंट डाउन द ड्रेन ना जाए तो ये बेसिक डिजीज़ जो हैं बेसिक हेल्थ इश्यूज़ हैं ब्लड शुगर हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर एज़ अ फर्स्ट लाइन अगर तो पेशेंट के पहले से हुए में उनको रिव्यू करना चाहिए और अगर कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है उसको देखना चाहिए और उसके मुताबिक फ़र्दर आगे जाना चाहिए If you find out that there is history of dysperonia irregular cycle, intermenstrual bleeding, though endometriosis kebare may be so Endometriosis is a big culprit in infertility and it's a very difficult disease to treat and also sometimes to diagnose as well. So iskeli hame apne eyes open uh, and it needs to be diagnosis needs to be confirmed. Uh, these days, ultrasound is helpful, although the gold standard is laparoscopy. So, in situations, me, after initial treatment, about three to six months, you ko, should ko refer cases to a specialist. And I think. With the increasing uh, this um, time and our hustle and bustle and technologies and the use of these uh, Wi-Fi and computers and laptops, uh, we have entered a f uh, a f an era where male infertility coincidence is So don't uh, concentrate on the female only. Also uh, try to have the male investigated and uh, also give simple guidance of uh, uh, to the couple regarding uh, their lifestyle and uh, some of the uh, habits, uh, the eating habits and the uh, uh, things like uh, smoking and drinking, Yesarichis MP fertility go drastically. फ़ेक्ट uh, करती हैं और uh, आजकल आज कल अ होस्ट ऑफ हर्बल मेडिकेशंस एंड एंटी जो कि हेल्प करती हैं बोथ मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी को